वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं, एक क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप देखो, मैंने इधर येलो कलर का एक कंटेनर बनाया है। कंटेनर से मुराद आप कोई भी बर्तन ले सकते हो और उसके अंदर मैंने कोई सिस्टम रखा है। सिस्टम बताता हूँ क्या होता है। सिंपल, हमने कोई पानी ले लिया है, ठीक है ना। अब सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हमारी तवज्जो मरकूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पॉट के अंदर पानी है, अब आप देखना चाहते हो यार पानी को गर्म करने से वो किस तरह गर्म होता है और किस तरह वो वेपर में तब्दील होता है। तो आप देखना चाहते हो उसकी हालत किस किस तरह चेंज होती है, और आपकी तवज्जो किस पे है, पानी पे। तो वो आपका सिस्टम हो गया। जिस चीज़ पे आपकी तवज्जो है वो आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अंदर कंटेनर के पानी है और साथ मैंने एक बाउंड्री बना दी। ये जो बाउंड्री आपने ऑरेंज कलर की नज़र आ रही होगी आपको इधर, ऑरेंज कलर की, इसे हम कह रहे हैं बाउंड्री, जो डॉटेड में मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब बाउंड्री क्या है, ये भी बड़ी सिंपल है, जो कि सिस्टम को क्या करती है, सराउंड करती है। जैसे एक कंट्री होता है, उसका एक बॉर्डर होता है, वो पूरे कंट्री को क्या करता है, सराउंड कर देता है, घेरा हुआ होता है ना। तो इस तरह सिस्टम को, जो घेरी हुई चीज़ होती है कोई भी रीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो अब होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हम इसको हीट एनर्जी दे भी सकते हैं, ये क्योंकि हमारे पास क्लोज सिस्टम है, इसको हम एनर्जी दे सकते हैं, मतलब इसको हीट भी दे सकते हैं और वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी इसके अंदर दाखिल भी हो सकती है और बाहर भी आ सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि बाहर नहीं जा सकती, वो क्या है, सिस्टम खुद, यानी कि सिस्टम का जो मास है, जितना भी हमारा सिस्टम अंदर पड़ा है, इसके अंदर चाहे हम हीट जितनी इसको दे दें, वर्क इसको जितना भी कर दें, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास तब्दीली है इसके मास की, कि मास जो है वो ना तो बाहर आ सकता है और ना ही सिस्टम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, मैंने इधर आईसी इंजन बनाया हुआ है, इंटरनल कंबस्चन इंजन, जो आपका पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन होता है, उसमें आपने देखा होगा इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व होते हैं। तो ये मैंने इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व बताए हुए। अब होता क्या है कि देखें, हमारा फ्यूल इंटर किससे होता है, वेल से होता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा, वेल से हमारे पास क्या होता है, फ्यूल इंटर हुआ और वो पिस्टन वगैरह सिलेंडर के अंदर आया और उसने क्या किया, पिस्टन को डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव किया और बाहर निकल गया वेल के ज़रिए। तो अगर मैं इन वेल्स को बंद कर दूं तो क्या होगा, ना तो मेरा सिस्टम अंदर आ सकता है, यानी कि फ्यूल, और ना ही वो बाहर आ सकता है। तो इसका मतलब यह क्या है कि क्लोज सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल क्या हो गई कि आईसी इंजन विदाउट द वेल्व, ठीक है। तो वो क्लोज सिस्टम की क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास जो मैस है, मैस हमारे पास जो सिस्टम का है, वो हमारे पास इंटर भी हो सकता है और एग्ज़िट भी कर सकता है, मतलब वो दाखिल भी हो सकता है और ख़ारिज भी हो सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दूसरी चीज़ है क्या कि हमारे पास एनर्जी इंट्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब एनर्जी वर्क की सूरत में या फिर हरारत की सूरत में क्या हो सकती है, सिस्टम के अंदर भी जा सकती है और सिस्टम से बाहर भी जा सकती है। तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम की हो गई प्रॉपर डेफिनेशन। और एक बात आपने याद रखनी है, आइडेंटिटी, यानी कि जो सिस्टम की आइडेंटिटी है इसमें चेंज होगी। आइडेंटिटी से मुराद ये है कि वही चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि सिस्टम अंदर आ रहा है और सिस्टम बाहर भी जा रहा है। तो आइडेंटिटी से मुराद ये है कि पहचान, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन इससे पिछला जो था क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर सिस्टम हमारा था फिक्स रह गया था उस बर्तन के अंदर, बाहर नहीं जा रहा था, मतलब क्या है कि उसकी आइडेंटिटी, यानी कि उसकी पहचान जो थी वो क्या थी, सेम थी, वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ओपन सिस्टम है तो उसमें क्या हो रहा है, सिस्टम बाहर जा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी आइडेंटिटी हमारे पास तब्दील हो रही है। और हमारे पास ओपन सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल क्या है, एयर कंप्रेसर क्या करता है, हमारे पास लो प्रेशर एयर को हमारे पास हाई प्रेशर एयर में तब्दील करता है। इसमें एग्जाम्पल में मैंने देखिए मोटर दिखाई हुई है, मोटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक वर्क सप्लाई किया है हमारे कंप्रेसर को, कंप्रेसर उस वर्क से चला है और उसने क्या किया है, जो इधर लो प्रेशर एयर है उसको इनटेक किया है, मतलब अंदर उसने अपने सक किया है, उसके बाद वो जाएगी हमारे पास कंप्रेसर में, फिर कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से उसको बाहर निकाल देगा। तो सिस्टम हमारा इधर एयर है और एयर अंदर भी आ रही है और बाहर भी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम की एग्जांपल हो गई। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि ना तो हमारे पास हीट इंट्रैक्शन, मतलब ना तो हम हरारत की फॉर्म में और ना ही हम वर्क की फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं कर सकते, ना ही हरारत और ना ही वर्क और ना ही खारिज हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा मैस है वो भी सिस्टम से ना तो बाहर जा सकता है और ना ही हमारे पास
सिस्टम अंदर आ सकता है। ठीक है, सिस्टम भी हमारे पास, सिस्टम का जो मैस है वो भी कांस्टेंट है, आइडेंटिटी जो सिस्टम की है वो भी सेम हमारे पास है, और हमारे पास जो एनर्जी है वर्क की सूरत में और एनर्जी की इसमें हरारत की सूरत में, वो भी हमारे पास क्या है, इसमें क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि ना तो अंदर और ना ही खारिज हो सकती है। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, वैसे ये खुद भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमने क्या किया, किसी बर्तन को हमने इंसुलेट कर दिया है, तो उसमें ना तो ही ट्रांसफ़र हो सकती है और ना ही हमारे पास बाहर हो सकती है। तो थर्मोफ्लास्क हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की, लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट इसको हम पार्शियल एग्जांपल कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास पानी पड़ा है और ये जो सिस्टम है पूरा इंसुलेट हुआ हुआ है, जो मैंने वाइट कलर से दिखाया हुआ है। आपने सिंपल इसके अंदर कोई भी चीज़ गर्म रखी तो वो गर्म रहेगी, राउंड अबाउट 24 आवर्स तक होता है इस तरह कि वो गर्म रहती है। तो 24 आवर्स तक हमारे पास क्या है कि वो चीज़ गर्म ही रहेगी। ठीक है, उसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है कि हमारे पास हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, उसकी हीट जो है सेम रहेगी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो पानी है वो इसके अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैस भी हमारे पास सिस्टम का क्या है, वो भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा पार्ट बी होगा, और उसमें हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वगैरह भी देखेंगे, और इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे।